क्या रोनक लेगा AWM। ये लोग ये तो, अरे ये तो बिल्कुल ही सामने रोक दिए ओआरबी के स्क्वाड ने, बट ये उल्टा ही हो रहा है। आईएनडी के दो प्लेयर्स रोक दिए आखिरी में। ओ बॉय ओ बॉय, आखिरी बचा हुआ है ओआरबी का एक बंदा, ओआरबी का एक है, स्काउट का खेलना बचा हुआ है। देख सकते ओके गाथ तक और ये सारे खत्म। आईएनडी के चार बंदे जिंदा नहीं रहे तो स्काउट ने यहाँ पे क्लच करा है। 1v1 सिचुएशन फॉर हिज टीम एंड सबको रिवाइव मिल जाएगा यहाँ पे, बट ओआरबी की अनएक्सपेक्टेड वहाँ पे पार्किंग थी कार की एंड दे डेड ऑप्सी और एट दैट टाइम अब सामने था उनके स्काउट तो वो कर गया। वहां पे तूने अगर ठीक से देखा होगा उन्होंने लाइक अनएक्सपेक्टेड था कि पीछे से कार आएगी, ओआरबी ने रश करा था बट ट्रांस ने दो नॉक करे थे। केतन वहां पे पता है तेरे को जो ट्रांस था वो ट्रांस ने दो नॉक करे थे, मतलब आप सोच सकते हो कि लाइक ऐसी सिचुएशन भी लाइक बनी, फिर भी पीछे से जो कार आई थी उसमें से दो तो नॉक कर दिए थे ट्रांस ने, बाकी बिल्कुल मतलब बिल्कुल सही टीम वर्क था, बैकअप था और चारों बच गए। और यहाँ पे गॉडेल की जो टीम है उनके ऊपर फायर हो रहा है, देख सकते हैं फ्रोजन के पीछे एक कार लगी है, मे बी फ्रोजन अब यहाँ पे मुश्किल में, फ्रोजन नॉकडाउन हो सकता है। ये लोग अभी भी डीएमआर यूज कर रहे हैं, फ्रॉस्ट जा रहे थे उनको नॉक कर देन, पीछे से डीएमआर से फिनिश भी करते आ रहे हैं वो लोग। डीजी का एक प्लेयर यहां पे नॉक, एक और प्लेयर नॉक यहां पे, एक लास्ट प्लेयर बचा है सिर्फ मैक्सिमस यहां पे निकाल के आखिरी बंदा। सो ये ऐसे सिचुएशन आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी इस वाले जोन में, बट यहां पे कवर भी ज्यादा है आई थिंक यू हैव टू नोट डाउन। और ये क्या मैं देख रहा हूं, क्रेटोस ने स्काउट को खत्म कर दिया, मैंने किल फीड में देखा आई थिंक कार पे गोलियां लगी है क्रेटोस से और स्काउट वहां पे नॉक भी नहीं, डायरेक्टली खत्म हो चुका है। जैसे जी हाँ दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कार बर्स्ट कर रहा होगा, हाँ और वहां पे स्काउट क्लोज होगा और स्काउट यहाँ पे डिसअपॉइंटेड बाय क्रेटोस। जो भी है यहाँ पे अब बस तीन बंदे बचे आईएनडी के, अनफॉर्चुनेटली क्रेटोस से शायद वो एक्सीडेंटली हुआ होगा क्योंकि स्मोक कर दी होगी और इसलिए उसने फायर कर दिया होगा, तो गलती से स्काउट वहाँ पे ख़त्म हो चुका है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे टीम गडलाइ के पास सर्कल भी है, कवर भी है, देख सकते हो दो कार भी है, एक यूएस है एक बगी है, तो लिटल वुडन शेक प्लस एक यूएस के इन लोगों ने टायर फोड़ के वहाँ पे कवर बनाया बट अभी उनको उसको उस कार को बर्स्ट नहीं करा है, नथिंग टू नोट डाउन। मुझे लग रहा है अगर टायर वहाँ पे ऑलरेडी बर्स्ट हो चुके हैं तो बर्स्ट कर देना चाहिए क्योंकि बहुत रिस्की हो सकता है अगर गलती से कुछ हो गया तो उन्हें बस अब होल्ड करना है। एंड डाकू का टीम डीपी का साउंड सुन के यहाँ पे आगे पुश कर रहा है, क्या यहाँ पे आई थिंक टीम आईएनडी है डाकू के क्लोज में, और गॉड्स की टीम यहाँ पे देख सकते हो, गॉड्स की टीम जो लाइक होल्ड करती है और उनके आपने देखा होगा किल्स नहीं ज़्यादा रहते बट वो हमेशा ना टॉप में रहते हैं, लाइक रैंकिंग में रहती है टॉप पे। यप बिकॉज टूर्नामेंट में सारी टीम अग्रेसिवली नहीं खेल सकती, सारी टीम्स की अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज रहती है। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ द मैप से बहुत सारी फाइट आपको देखने को मिलेगी, आपने देखा होगा मिनी मैप पे, तो यहाँ से देखो कितनी सारी टीम्स को जोन में आना है। सामने डाकू के प्लेयर्स है के वास्ते परितोष ने स्प्रे करा था विद डीपी 28, अब जोन में भी जाएंगे ये लोग। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, प्रिंस अकेला बग्गी लेके आगे जा रहा है, प्रिंस की पूरी टीम पीछे है, ब्रावलर्स के पूरे चार बंदे वहाँ पे स्नेक बने हैं और यहाँ पे प्रिंस ने फ्रॉस्ट को नॉक डाउन कर दिया है और टीम आईएनडी के ऊपर पुश हो चुका है। यहाँ पे क्राउच एंड फायर करा तभी क्रेटोस वहाँ पे नॉक डाउन हुआ है एंड वन ऑफ क्रेटोस खड़े खड़े ही मारा था उसको, दलजीत एंड ट्रांस उसको तो बचा नहीं पाएंगे, मेरे को लगता क्रेटोस को बचा पाएंगे बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो वहाँ पे रैंडम फायर भी कर रहे हैं एंड गॉड्स की टीम को भी एक्नॉलेज रहेगा कि वहाँ पे उन्होंने एक नॉक करा है, तो दे हैव थ्रोन अ नेड ओवर देयर आई थिंक। स्नाइपर ने यहाँ पे, तुम अगर सुन रहे होगे तो बस क्या बोलते हैं, गोली की साउंड आ रही है बस और कुछ नहीं आ रहा है और यहाँ पे सब जगह पटाखे बज रहे हैं, बस यही हो रहा है यहाँ पे। चार्ट्स पे लोग आरएपी क्रेटोस लिख रहे हैं।
क्योंकि क्रेटोस को अब गालियां पड़ने वाली है, बट ऐसा होगा नहीं गाइस, टेंशन ना लो, क्योंकि अब उसने जानबूझकर तो करा नहीं है। और यहाँ पे क्या देख रहा हूँ मैं, आईएसओ का निंजा जो है वो यहाँ पे ऊपर है अकेला, और वो कार लेके भाग रहे हैं, वो सिचुएशन से भाग गया, बट पीछे से भी कुछ बंदे स्प्रे कर रहे हैं उसको, तो ये सिचुएशन से भागना नहीं चाहिए था। क्या पता वहाँ पे 1v3 कर देता, सोल की टीम भी वहाँ पे होल्ड कर रही है, ऊपर से सीएस का भी स्क्वाड आ रहा है सोल के पास, एसीआर के बंदे डीएमआरस यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऐसे सिचुएशन में डीएमआर सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि किल्स आप ज्यादा कलेक्ट कर सकते हो। इस बार सोल ने गाइस उनके ऊपर लाइक सर्कल नहीं बना था, फिर भी उन्हें रश करके एक कंपाउंड तो हासिल कर लिया है। और जो सीएस जो टॉप 3 में है उनके सामने सोल है। अब देखते हैं यहाँ पे सोल और सीएस की टीम जो फाइट होगी, कौन विन करता है। और गॉड्स की टीम है उनके सामने आईएनडी है, और आईएनडी लाइक मतलब सैंडविच बन चुके हैं, उनके पीछे एसीआर वाली टीम भी है। और यहाँ पे देख सकते हैं एनआईपी प्रिंस, एनआईपी कैरी बहुत ये बढ़िया खेला, प्रिंस बहुत बढ़िया खेल रहा था, मैंने देखा है लास्ट गेम और उससे पहले वाले गेम में भी। एंड ब्रावलर्स की यहाँ पे टीम है, ज्यादातर स्नेक ही दिखाई मिल रहे हैं, जहां पर भी देखो ऊपर में जहां पर भी है स्नेक ही दिखाई दे। आठ टीमें बचे पड़े जोन, मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा देर तक रुकेगा, 24 सेकेंड है बस जोन में, 20 सेकेंड्स, और बहुत सारी टीम्स को भी जोन में भी जाना है। सीएस का स्क्वाड वेट कर रहे, सोल का स्क्वाड वहां पे थ्रोएबल्स फेंक रहा है, बट यहां पे देख सकते हो गट का, ओके दिस इज नॉट गट का सिटी, ओके यहां पे ओपन में टॉस को नॉक डाउन कर रहे, एसीआर के बंदे वहां पे पुश कर गए थे, एंड आईएनडी का स्क्वाड पूरा एलिमिनेट हो गया वहां पे, डार्क ने वहां पे सीएस के क्लियर को नॉक डाउन करा है विद दैट मिनी 14 आइकॉन। ये लोग सारे वही स्प्रे कर रहे हैं प्रोन होके, बिकॉज प्रोन होके स्प्रे लाइक बेटर रहता है एज कम्पेयर टू देख सकते हो। लोग जोन में आ रहे हैं। अब ये क्या करेंगे गाइस, देखना 3 कार है, कवर बनाएंगे तीनों कार का और सर्कल होल्ड करेंगे, देखना, क्योंकि सर्कल फिर से ऊपर में बना है। ओके गॉड्स के स्क्वाड वहां पे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पे कोई ना कोई उनको प्रोन ऊपर में वहां पे नॉक कर ही दे रहे हैं। ब्रॉलर्स के स्क्वाड अभी यहां पे अच्छी सिचुएशन है, बिकॉज उनके पास जोन भी है प्लस हायर रिज भी है, और मेरे को लगता है कि ये वाला चिकन डिनर इजी रहेगा ब्रॉलर्स के लिए, अगर वो लोग जोन अच्छा खेलते हैं तो, ये वाला ब्रॉलर्स और सोल इन पर्टिकुलर, क्योंकि सोल के पास एक डिसएडवांटेज है, वो लोग ओके उन लोगों ने स्मोक बॉल्स बहुत प्यारे बनाए हैं, उनके पास कवर भी है बट लोअर ग्राउंड है, दैट इज अ थिंग, अभी वो लोग जोन में है, दैट इज अ गुड थिंग फॉर सोल फैंस टू सी, बट देखते हैं। मेरे को लग रहा है ब्रॉलर्स के पास ये अच्छा एक एक सिचुएशन है जहाँ पे वो लोग पॉजिटिव कुछ निकाल सकते हैं, उनके पास जोन है तो दे हैव समथिंग टू चेरिश अबाउट। आरआईपी की भी यहाँ पे पूरी टीम है, अगर तू देखेगा तो हमने नोटिस नहीं करा, आरआईपी की मतलब पूरा लाइक चारों प्लेयर सर्कल में है। एंड ब्रावलर्स के आप देख सकते हो कितने स्प्लिट है गाइस प्लेयर, हर एक पेड़ पे अलग प्लेयर है, नोवा अलग है, आइकॉनिक अलग है, डार्क अलग है, और फ्रॉस्ट भी अलग है, चारों अलग जगह पे है। और आरआईपी ने बहुत बढ़िया कवर बना लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे सोल फायर कर रही है आरआईपी के ऊपर, बट आरआईपी के पास बहुत बढ़िया कवर है, 2 कार देख सकते हो पेड़ को लाइक एक लेफ्ट से एक राइट से, और बीच में लाइक वो प्रोन हो चुके हैं, सो कवर तो बहुत बढ़िया बनाई है। ओके टेम्पेस्ट ने यहाँ पे सोल ओवेस को नॉक डाउन कर रहे हैं, आरआईपी के प्लेयर्स की फाइट चल रही है स्ट्रेट टुवर्ड्स दोस सोल गाइस, परितोष फिर वहां से पीक लेने की कोशिश कर रहे हैं, टीपीपी लेके, पर वैसे यहाँ पे ब्रॉलर्स के बंदे किल्स ले सकते हैं अच्छे खासे, वहां पे आरआईपी के प्लेयर्स वहां पे जोन पे कवर बना के बैठे उस वाले कॉर्नर, बट उनको जोन में आने अभी भी ब्रॉलर्स के पास जोन है, यू कैन सी 7th फेज जो बनेगा 30 सेकंड 35 सेकंड्स के बाद वो भी ब्रॉलर्स के पास है, सोल की टीम को ऊपर आने, एनआईपी की टीम को मतलब लिटरली सारी टीम्स को ऊपर आने ब्रॉलर्स के पास, सोल की टीम ऑलरेडी मूव कर चुके हैं वहां पे, दे हैव दोस कार्ड्स टू मूव इन दैट जोन। ओके सो अभी सोल ओवेस तो वहां पे कवर बना लिया है, सोल ओवेस और पीछे देख सकते हो मोर्टल, आई थिंक सोल मोर्टल भी है, और आरआईपी के चारों बंदे यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। सोल रुनक ने परितोष को नॉकडाउन कर दिया है, बट टीम पेस जो है उसने बिल्कुल सही बैकअप देके जो सोल का प्लेयर था रुनक उसे नॉकडाउन कर दिया है यहाँ पे, और आरआईपी की टीम आगे सर्कल में पुश कर रही है, मोहन कर रही है, ऊपर जो सीएस के बंदे हैं वो भी है, और जो ब्रावलर्स टीम है उनको तो लाइक कोई नहीं, बस सिचुएशन होल्ड करनी है, आराम से खेले, उनके क्लोज में कोई नहीं है लिटरली, मतलब
50 मीटर या फिर 100 मीटर में। आरआईपी तीन ओके दो बंदे नॉक्ड है, स्काई भी नॉक हो गए हैं यहाँ पे, आरआईपी लेजेंड अकेला बचा हुआ है एंड एनआईपी मावी बचा हुआ है उनके स्क्वाड का, वाज द लास्ट पर्सन अलाइव। बट ब्रॉलर्स यहाँ पे बहुत किल्स निकाल सकते हैं, देयर यू कैन सी। सो एनआईपी मावी ने परितोष का किल कंफर्म करा वहां पे। ओके आरआईपी का लास्ट लास्ट बंदा बचा है, अगर वहां पे आई थिंक वो टेम्पेस्ट को हील देगा वो, जितना मुझे लग रहा है। और सोल रोनक ने यहाँ पे एक बंदा नॉक डाउन करा है, और जो एनआईपी है ओके वाइपर को नॉक डाउन करा है यहाँ पे आरआईपी लेजेंड ने, वाइपर नॉक डाउन हो गया। बहुत मतलब मिक्सअप फाइट हो रही है, हर चारों साइड से पड़ रही है। लाइक कभी एनआईपी का बंदा नॉक हो रहा है, कभी सोल का बंदा नॉक हो रहा है, कभी रिप का आरआईपी क्लैन का बंदा नॉक हो रहा है। बट प्राउलर्स आप देख सकते हो चिल मार रही है वहाँ पे ऊपर, कोई टेंशन नहीं है। मुझे लगता है इजीली चिकन डिनर निकाल लेगी ब्रावलर्स की टीम, मुझे जितना लग रहा है। चारों बंदे हैं अभी, तीन टीमें बच रही हैं, बट मेरे को लग रहा है निकाल लेंगे वो लोग, क्योंकि जोन भी उनके ऊपर बनता गया है, बनता गया है। एनआईपी के प्लेयर्स भी हैं राइट्स में, और सोल का स्क्वाड है, सोल के तीन बंदे, दो बंदे बचे हैं इनफैक्ट। वाइपर तो वहाँ पे नॉक डे, शायद अगर कोई रेव दे रहा होगा तो वी डोंट हैव एन एंगल टू सी कि इसको कोई रेव मिल रहा है यहाँ पे कि नहीं, क्योंकि तू एक चीज देख रहा होगा कि जो अदर टीम्स है उनकी ऑलमोस्ट आधी एचपी है या फिर लेकिन ब्रावलर्स चारों बंदे फुल एचपी है, और उनका ना आर्मर ना हेलमेट कुछ डैमेज होगा, क्योंकि क्योंकि फाइट ही नहीं हुई है उनके उनके ऊपर, ना गोलियां चलाई ना किसी ने कुछ हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो सोल रोनक है, सोल वाइपर है, आगे स्मोक कर रहे हैं सोल वर्सेस ब्रावलर और एनआईपी, थ्री टीम्स गाइस, लास्ट थ्री टीम्स। तो गाइस क्या लगता है आपको, जल्दी से हैशटैग लगा दो, ब्रावलर्स या फिर सोल या फिर एनआईपी, क्या लगता है आपको कौन सी टीम विन करेगी? ओके ब्रावलर्स के बंदे स्प्रेड हो रखे इतने कि उन लोगों को ऊपर आने का मौका ही नहीं दे रहे वो लोग, रोनक अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं विद इन दो स्मोक्स ही वो लोग ऊपर जा पाए। एंड ओके एट्थ फेज है इसके बाद, तो नाइन्थ फेज के बाद अपना टेंथ सर्कल बनेगा, तो अभी भी बहुत टाइम है सोल के पास भी कि वो लोग ऊपर जाके अपनी ओके वहाँ पे एनआईपी मावी ने ओवेस को नॉट डाउन करे तो ऊपर से फाइट ले रहे हैं, बट राइट हैंड अपने लेफ्ट हैंड साइड से एनआईपी के प्लेयर्स भी उन लोगों को दिक्कत दे रहे हैं। सो डार्क अभी ब्रॉलर्स के प्लेयर्स को कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, रोनक ने यहाँ पे एनआईपी मावी को नॉट डाउन करा है विद दैट ग्रेट नीड, लेट्स सी व्हाट दे हैव गॉट। ये क्या था साउंड, आई थिंक ये साउंड ग्लिच था, आइकॉनिक ने नॉक करा है यहाँ पे, और ओके आइकॉनिक ने खत्म भी कर दिया है। डॉनिक ने अपना किल कंफर्म करे। सो गाइस यहाँ पे नॉक डेड, सो दिस इज द टाइम दे कैन पुश ब्रॉलर्स का स्क्वाड, रोनक वहाँ पे नॉक डेड, ओके सॉरी वाइपर वहाँ पे नॉक डेड, रोनक वहाँ पे व्हीकल के पीछे प्रोन्ड है मेरे ख्याल से, नोवा वहाँ पे ओके पूरा फिनिश करा वहाँ पे नोवा ने भी वाइपर को। ये तो लाइक ये तो मतलब 1v4 फाइट हो गए गाइस, इजी चिकन डिनर, इजी इजी फॉर ब्रॉलर्स। मतलब जोन देख रहे हो बस कैसे बनता गया ब्रॉलर के ऊपर बनता गया, एंड दे हैव गॉट 6 किल्स चिकन डिनर। सोल के इस बार किल्स थे गाइस, थर्ड आई है 4 4 8 और 9 किल्स थे, मॉडल के 0 किल्स है, एनआईपी प्रिंस 1 किल, कैरी का 1 किल, और एनआईपी के किल कम है, बट लाइक पता है जो सर्कल होल्ड करा है उन्होंने बहुत बढ़िया था, और ब्रावलर्स लास्ट में ब्रावलर्स वर्सेस सोल जो फाइट हुई बहुत बढ़िया थी, और ब्रावलर्स का जो लाइक हाइट एडवांटेज था, मतलब जो हम बात कर रहे थे गाइस जितनी देर से कि सर्कल सर्कल का बनता हाँ गया, सर्कल बनता गया।